तो ये है मैक्लियोडगंज। क्या बंद हो गया? सेम शक्ल तो शार्क जैसी है इसकी, देखो। ओ भाई साहब, ये तो क्या कर रहा है? माशेरा वाली है। आपका नाम क्या है? कटोरिया पलट के गुटर गुटर गिरेगा साले, लगेगी बहुत जोर के। जिंदगी तो यहाँ है। ये है मेन पालमपुर की मार्केट। हाँ, यहीं पे खड़े हुए थे वो, बात कर रहे थे। कहाँ के हो तुम? पालमपुर हिमाचल से। एंड गाइस, मैं भी आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा जो शेरशाह का लीड करेक्टर है, बोले तो जहाँ शेरशाह की शूटिंग हुई है, शेरशाह बोले तो कैप्टन विक्रम बत्रा का घर है यहाँ पे पालमपुर में। कहाँ के हो तुम? पालमपुर हिमाचल से। तो जब वो शहीद हुए थे, उनको यहीं लेके आया गया था, यहीं पालमपुर में, इसी मार्केट के थ्रू, जिस मार्केट से हम रोज क्रॉस कर रहे हैं। और मेरा मन था कि मैं ये मार्केट दिखाऊं आपको, शेरशाह की शूटिंग कहाँ वो दिखाऊं। यहाँ पे एक ओवरब्रिज भी है जो पहाड़ों पे है, उस पे भी शूटिंग हुई है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाऊं। ये मेन चौराहा है पालमपुर का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये है मेन पालमपुर की मार्केट, जहां से बॉडी लेके जाते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की। मूवी आपने देखी होगी शेरशाह, और उनका जो घर है वो यहीं पे है। तो हम घर नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं यार। वो बहुत अच्छी वो है, इज्जत है थोड़ी सी, होस्ट है। मार्केट बहुत खूबसूरत है। अब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पता है जहाँ हमने गाड़ी लगाई है ना, वो जाने वाला है और ये आने वाला रास्ता है। मूवी में कट्टू कट दिखाया था, तो जो कट्टू कट दिखाया था ना, जो यहाँ लोग रहते हैं उन्हें तो पता चल जाता है कि ये पूरा का पूरी जो रोड है ना, यहीं पे कट्टू कट दिखाया था उन्होंने। और खड़ी चढ़ाई है, पता है, ऊपर बहुत ज्यादा। चीता बॉय इसको देखोगे ना आप, ये तो फोन पे, हाँ चीता फैमिली। We are having this tea, हमने बोला था कि इसमें सब कुछ डाल के देना, थोड़ा हमारा मतलब जुकाम सा हो रहा है ना, तो अदरक और वो सब डाल देना, पर इसमें कुछ नहीं डाला गया। अंकल देख रहे किससे बातें कर रहा है बैठ के, इन्हें पता नहीं है चीता फैमिली बहुत बड़ी है। देखो, See this one's looking nice. खाते हैं, टेस्ट करते हैं, चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं ओवरब्रिज पे, जो कि है पुल जहाँ पे शेरशाह की शूटिंग हुई है। मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे खड़े होकर लोग बातें करते हैं, और इतना खूबसूरत नजारा है ना वहाँ से, वो पुल ही बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज द वे टू दैट ब्रिज, जो पुल है उसका रास्ता है ये जाने के लिए। पालमपुर में ही है सारी लोकेशन। ओ भाई, वो देखो सामने ढक रख के, बताओ ब्लैक दिख रहे हो भाई साहब, देखो उसमें काला बादल है, बहुत जबरदस्त हो रहा है ओवरब्रिज। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, वो देखो जिसमें तिरंगा बना हुआ है। शूट करने में तो सीधा लोकेशन मिलती है, और यहाँ देखो ना भाई साहब, जिंदगी तो यहाँ है। क्या खूबसूरत जगह है बे। ऊपर ना बर्फ वाले पहाड़ का अपना ही स्वैग है, वो अलग ही ढके हुए हैं, उनको मतलब नहीं किसी से। धीमी धीमी आंच में बारिश। ये रहा ओवर ब्रिज जिसपे एकदम शूट हुआ था शेरशाह मूवी का कैप्टन बत्रा का सीन। एंड सी गाइस, बारिश हो गई बहुत भयंकर, बारिश के गजब नजारे। इसको थोड़ा साफ, ओ फक वो चला दिया मैंने। सी गाइस, दिस इज द लोकेशन एंड सीता फैम, यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। ऊपर एक ब्रिज है जहाँ से मैं ना, ये रास्ता ऐसे है, ये ऊपर एक ब्रिज है, बट ये ब्रिज वो नहीं है जिसपे शूट हुआ था, ये ब्रिज है जिसपे शूट हुआ था, जिसमें तिरंगा बना हुआ है। आंखों में बूंदे जा रही है। एंड यहाँ पे ना देखो, एक वो है सौरभ वन विहार नाम से, ये सौरभ वन विहार भी वहाँ पे एक शहीद हुए थे उस वॉर में, उन्हीं के नाम पे है वो, सामने सौरभ वन विहार। इसमें पानी बहुत तेज चल रहा है क्योंकि बारिश है थोड़ी सी यहाँ पे, अदरवाइज मैक्सिमम तो सूखा रहता है, बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लो ना हो जाता है। तो क्या कर रहा बोल, कुछ बोल राहुल, स्मार्ट की मैं स्मार्ट। अच्छा अमन स्मार्ट है कि तुम? मत बोलियो, बताओ भाई भाई, ये नीरज क्या कर रहे हैं? नीरज भाई, नीरज व्हाट आर यू डूइंग? झूला झूल रहे हो? हैंगिंग ब्रिज है। इस बकरू के ऊपर भी चलते हैं। वो हिलता है भाई। हाँ हिलता है, हिल रहा है, बताइए ब्रिज। और यहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे ना जिसमें बात हुई थी। नंगे नाए हम इस नदी के अंदर, समझा? तेरे को जितना मैं जानता हूँ ना, ना तेरी फैमिली जानती है और ना वो चंडीगढ़ वाली जानती है। अरे यार, तेरे को कितनी बार देख। और आप ये देख रहे हो, ये जो ऊपर से आ रहे ना राम जुला की, जैसे ये यहाँ पे आके ऐसे हो जा रही है, और बारिश बहुत तेज हो रही है। देखो नीचे पानी एक नंबर हो रहा है, झरझर आवाज आ रही होगी आपको, और बारिश भी बहुत गजब हो रही है, ठंड भी बहुत गजब, मतलब सारे काम है, और हमारी तबीयत भी बहुत गजब खराब है, सारे काम एक साथ है हमारे, पर हम छोड़ेंगे नहीं। वो बादलों से तो प्यार हो गया भाई, पहाड़ और बादल ना अपने में ही खोए हुए रहते हैं जैसे हम लोग। भाई गजब बारिश हो रही है यार। हाँ यहीं पे खड़े हुए थे वो, बात कर रहे थे ना, जैसा मन खड़ा है। टॉकिंग टू द मून भाई, पानी में ना मैं देहरादून में इतना नहाया हूं ऐसे पानी में, आपको जगह दिखाऊंगा मैं, हर जगह देहरादून के एक एक जो ग्लिम्स होते हैं ना वो याद आते हैं। अमन भाई छतरी लेके आनी थी तुझे भाई, छतरी और पानी पता है यहाँ तक आता होगा जिस हिसाब से बना रखे इन्होंने। देखो ये, वो देखो पहाड़ पे देख रहा हूँ ऊपर की साइड पोर्शन, अब बारिश होगी फिर पानी बढ़ जाएगा, क्या मस्त बादल हो रखे। और हम अभी ना आपको लेके जाएंगे ये वन विहार की तरफ, तो थोड़ा सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई गेस ये रोड बना रहे हैं, कुछ ऐसा सीन चल रहा है रोड के साइड का पोर्शन। बारिश हो रही है, देख रहे हो चश्मे पे डॉट 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 आ गए मेरे, और ऐसे ही खड़े हुए थे वो लोग ना यहाँ पे बात कर रहे थे, कितना खूबसूरत था ना मूवी में। हाँ और भाई कितना, जब कोई दूसरा बंदा आके सपना तोड़ता है ना तो बंदा संभल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जब तो खुद सारे सपने तोड़ेगा ना अपने,
आदमी मर जाता है अंदर से, समझा भाई? बारिश और तेज हो गई, पता है भाग यहाँ से भाई। उधर तो छुपने की जगह भी नहीं है। सब भागते हुए ये देखो सब भाग रहे हैं यार, इधर लगा लेते गाड़ी हम। नहीं और हम लोग पता ब्रिज के उस साइड से टप टप आके, और जैसे यहाँ पे आए मैंने डेटा ट्रांसफर किया क्योंकि कल मैं एडिटिंग कर रहा था, कल वाला डेटा ट्रांसफर करना भूल गया था, और हमारे आती बारिश रुक गई। आती बारिश रुक गई और पूरे भीग रखे ठेका झोल, और यहाँ बनती है राइस बियर, एकदम खतरनाक चावलों के सड़ा, बहुत गंदा महक रहा था अंदर पता है। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है थोड़ी। ओह माय गॉड, थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ वन विभाग में ना कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स आई गेस, पूरा का पूरा शूट इस ब्रिज पे लिया गया था। और अब तो पीछे के पहाड़ देखो कैसे लग रहे हैं, अब ये क्लियर हो चुके हैं बिल्कुल, सारे बादल जाके पता कहाँ चले गए, यहाँ पे आ गए सारे बादल आ गए। अंदर से ना पानी आ रहा है देख रहे हो आप, और इन्होंने ना पाइप बनाया हुआ था यहाँ पे। यहाँ पहाड़ों में पाइप काम नहीं करते भाई। वीडियो यू सी एंड द रियलिटी, कौन गुजरा भाई, इतना कैमरा गिरियो मत। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ सौरभ वन विहार। 20 रुपए और 10 रुपए की टिकट है इसकी, चाइल्ड की 10 रुपए की है। कारगिल अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया। और कितना खूबसूरत है, देखो पत्थर देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे कलरफुल, और ये देखो सामने कितना बड़ा, लोग झूले उल्ले से झूल रहे, बना तो बहुत खूबसूरत रखा है। एब्सेंस ऑफ ईगो इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चिल्ड्रन पार्क, बोटिंग, एम्फीथिएटर, मोनल कैफेटेरिया, एंड सी दिस वंस द स्टैचू ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया। कारगिल वॉर कहीं लोग इनके नाम पे फिर बाद में बना दिया गया था, एंड दिस वन सो ब्यूटीफुल। माँ तुम देखना एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारी दुनिया में मेरा नाम होगा। कारगिल जाते समय कैप्टन सौरभ कालिया के अपनी माँ से अंतिम शब्द, जय हिंद खतरों के खिलाड़ी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने जा रहा हूँ, चढ़ी लिया मैं तो मैं दिखाता हूँ इसकी चौड़, बिल्कुल फेस एक्सप्रेशन मत दियो, बिल्कुल ऐसे निकल जैसे तो बहुत ट्रेंड है। कर सकता तू क्या बंद हो गया? नीचे से निकल, पैर घुस गया, पता घुटनों में पानी भर गया। फौजी अमन सीधा घुटनों में पार कर दे धड़ करके, आगे बड़ा मजा, जाओ जाओ। ओ भाई अंदर तो और गहरा है, मतलब वो कर घुटनों से, हाँ ये कटोरिया पलट के घुटनों अमन फंस गया, मैं कसम अभी तो शक्ल दे इसकी, ये ना चुभ रहे हैं घुटनों में। जे बात, ओ भाई मुंडी टूटे खोपड़ी मत फुटवा लियो। नहीं हो रहा भाई, बीच में अटका दे पता, सीधा कैसे हूँ, ये गीठा क्यों मार गया, इधर से चुभ रहे यार। ओ भाई साहब ये तो क्या कर रहा है, मुश्किल वक्त कमांडो सक, ऐसे टांगे गोल गोल हो गई तेरी, ऊपर से निकल, पागल है, हाँ तो उधर आ जाना। मुंह टूटेगा ना मेरे से मत बोलियो, वीडियो में दिखा दूंगा मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा था। सी दिस वंस वॉल क्लाइंबिंग, बट हम पे ना हार्डनेस नहीं है तो अब हम बिना हार्डनेस के चढ़ने की कोशिश करते हैं। चल अमन, अरे नहीं चढ़ जाएगा भाई, कह रहा हूँ ना वो उसी लिए है वो। चल अमन जल्दी जल्दी चढ़, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। इसके साले कितना 1 मिनट में चढ़ जाते हैं भाई, कितनी वॉल क्लाइंबिंग करेगा। गिरा ले लिया ना, गिरेगा तो गिरेगा, ये देख गिरा, फिर गिरेगा वापिस ऐसे आएगा, वापिस स्पाइडर मैन की तरह लटक गया भाई, वापिस ऐसे छलांग मारनी पड़ेगी, पागल है तो गिरेगा साले, लगेगी बहुत जोर के, नहीं है जाएगा पता है। तो भाई हम आगे ब्लॉक करते हैं, तो ये है आगे, अरे ये भी तो है सस्ता स्पाइडर मैन, मार दे। हम जैसे वन विभाग में कोई नहीं घूमता होगा, ये तो टांग दिया साले को। रिस्टार्ट है ये। बंजी जंपिंग है, हमें बंजी नहीं है वो जो बंदी होती है, जंपिंग होती है। भाई इसमें अलाउड नहीं था जबरदस्ती, अरे बच्चा ही तो है। बड़ा हो गया बच्चा, अच्छा बड़ा हो गया बच्चा, रुक हो गया देख भाई, वे आलसी है साले तू, मुझे तो लंबा घूम के वापस जाना पड़ेगा, पर जगह बहुत खूबसूरत है, अगर आप चाहो तो घूमने आ सकते हो क्योंकि ये जगह अनएक्सप्लोर्ड जगह में आती है। हिमाचली शादी अगर आपने नहीं देखी ना तो देखो व्लॉग में पवाल।
और यहाँ की सबसे अच्छी पता है मेरे क्या लगी अमन, यहाँ इन्हें पानी बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नेचुरल पानी है। देखो ऊपर वहां से नदी में से फ्रेश पानी आ रहा है, निकल जा रहा है। भाई कितना खूबसूरत है जंगल, कितना खूबसूरत, कुत्ता ना काट ले बस। वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ऐसी जगह अगर मिल जाए ना आपको तो मैं बता रहा हूँ, इतना सुंदर वन विभाग है। ये सामने पहाड़ देखो आप, बर्फ का पूरा ऊपर, और ये छलांग मारते थे। अच्छा तभी लाया, ये बचपन में यहाँ आता था बहुत ज्यादा, यहाँ छलांग मारते थे, टूट जाएंगे हड्डी। भाई देखिए यहाँ से कैसे निकलता होगा पानी, एक नंबर। मेरा भाई नहा रहा था यहाँ से, छलांग मारी इसने, देख यहाँ से मारी और हवा में उसको एक सांप दिख गया, हवा में था भी पानी में जा ही रहा था और हवा में जा छलांग में सांप देखो ऐसे तड़ तड़ के निकल ही गया, भाई निकल ही गया, सांप लपेट लेता होता। यहाँ गजब की फोटोग्राफी करने के बाद अगर आपको फोटोग्राफी देखनी है हमारी, बोले तो फोटोज देखनी है, सब कुछ देखना है तो इंस्टा, ये देखो इंस्टा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे इंस्टा है तो आप इस पे जा सकते हैं, क्लिक करें। सी बहुत बड़ा यार ये देख रहे हो, पूरा जंगल जंगल, ऊपर घर बनाया हुआ है, बट घूमने की बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। पालमपुर हिमाचल प्रदेश नियर कांगड़ा, बिल्कुल प्लेन का रास्ता है, कोई ज्यादा पहाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम धासु। ओके बाय बाय। पहाड़ों पे एक्वेरियम, माय गॉश, सी इसमें गोल्ड फिश है, एक एंजल फिश है, ये रेनबो शार्क है, और ये क्या है, तो जम गई है लग रहा है, इनका नाम है टाइगर ऑस्कर। भाई इसकी आंख यहाँ पे दिख रही है और ऐसे पीछे सेम टू सेम लग रहा है ना, इसकी पूंछ पे कितना सुंदर सा वो डिजाइन है। भाई तुम चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज फायर ऑस्कर ब्रास गोल्ड, सुंदर एक्वेरियम बनाया हुआ, बहुत सुंदर। मिल्की फिश ग्रीन टेरर, भाई साहब पिराना हो गई है तुम तो। वन आवर लेटर, तुम भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब। रेड टेल, ओ ये देखो कितनी खतरनाक है, हार्ट शेप, वेयर इज हार्ट, हाँ है तो देख इसी पीछे देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है वो, देखो हार्ट शेप। भाई अल्बिनो शार्क, सही में शक्ल तो शार्क जैसी है इसकी देखो। तो गाइस चलते हैं फिर, ब्रिज क्रॉस करते हुए अपनी गाड़ी उठाते हैं। आई लव दिस व्यू, आई जस्ट लव इट। सो गाइस हम चले मैक्लोडगंज चामुंडा देवी इस तरफ, लेफ्ट साइड जो हम जाएंगे। चलो भाई चामुंडा देवी माता की जय। आपको सच्ची सच्ची बताऊं, मैंने सुबह ही सुबह अमन को बोला था, चाहे अमन से पूछ लो कि हमें अगली बार आने के लिए भी तो कोई रीजन चाहिए, माता रानी के दर्शन हम अगली बार सारी के एक साथ करेंगे, तो हम अभी इस बार ट्रैक कर लेते हैं और सारी चीजें कर लेते हैं। पता नहीं कैसे अपने आप दिमाग में आया कि यार ट्रैक छोड़ना यार, हिम्मत नहीं हो रही है वो है करके, चामुंडा देवी करेंगे दर्शन आज और कांगड़ा का कल कर लेंगे, फिर दिमाग में आया कि चामुंडा देवी का भी कल कर लेंगे क्योंकि अब लेट हो रहा है। फाइनली चामुंडा देवी माता के मंदिर के बाहर खड़े हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बुलावा होता तभी आप जाते हो, जय माता रानी, शायद बुलाया है तभी हम जा रहे हैं, अभी तक तो अंदर नहीं गए, लेट्स सी क्या होता है, माता ने बुलाया तो जाएंगे। ये बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ ऑन रोड जाते जाते जहाँ हम जाते हैं ना धर्मशाला मैक्लोडगंज, तो यहीं से बिल्कुल ब्रिज पार करते हैं, यहाँ से बिल्कुल दिस वन इज द एंट्री फॉर माता का मंदिर। ये है शॉर्टकट रास्ता, तेरे चीते हो गए। यस, ये मतलब चलते चलते गा रहा था अभी, मैंने कहा रिकॉर्ड नहीं, इसी ने बोला इसको करेंगे रिकॉर्ड। माँ शेरा वाली है तेरे चीते आ गए, तो चीता फैमिली मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत अच्छी दुआएं, एंड दिस इज द वे टू टेंपल, मंदिर इस तरफ से जाए। देखो भाई सबकी तबीयत खराब है, देख क्या कर रहा है, जय माता दी। ओके ये बैठने की जगह है और ये मंदिर है, एंड ये चामुंडा माँ है, यहाँ पे अभी बंद करा हुआ है कोविड की वजह से ना, वरना अंदर जाने देते हैं प्रॉपर। ओम एंग हेंग क्लिंग चामुंडा है उच्चे नमा, पानी भरते होंगे ना पूरा पूरा, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद किया हुआ है इन्होंने, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, पुलिस वाले से पूछा था हमने ना अंकल से, तो बता रहे थे कहीं भी होते ना अंदर से ओम नमः शिवाय निकलता है, पता है। सन सेट हो चुका है, ये मंदिर के पीछे का पूरा व्यू है, और हम इस तरफ नहीं जाने वाले हैं, वहाँ भी मंदिर है टेंपल है, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें बहुत ऊपर जाना है। तो भैया लोग मिले थे हमें, ये शादी में मिले थे हमें ना, और यहाँ पे भी भैया मिले हैं, तो हमने कहा भैया सब्सक्राइब। ओके भैया बहुत ऊपर जाना है अभी हमें, मैं ये क्या बोलते हैं मैक्लोडगंज के टॉप पॉइंट नड्डी लेके चलते हैं आपको। आज का दिन इतना गजब हो रहा है ना, अगर मैं आज के दिन का शेड्यूल करके दिखाऊं ना आपको 50 मिनट की वीडियो चली जाएगी, अगर आपको प्रॉपर एक एक चीज देखनी है। हाय कर दो ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज लॉस्ट विद राहुल। तो ये है मैक्लोडगंज, इसका मार्केट, मेरे को एक चीज याद है, एक बार इस मार्केट के पहले जाम लगा था जब मैं लास्ट टाइम आया था, बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए भाई साहब, कम से कम नहीं तो 8-9 घंटे मैं यहाँ पे फंसा हुआ था, और उसके बाद इसी किसी चौराहे से मैं निकलना पड़ा था नीचे की तरफ वापस धर्मशाला। सी कितना खूबसूरत मैक्लोडगंज का मार्केट है, और मैक्लोडगंज यार बहुत चढ़ाई पे, ऐसे ही बताऊँ आपको, तो देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है मैक्लोडगंज की, और अभी हम इसके टॉप पॉइंट पे जाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत टॉप पॉइंट पे, हमने गोप्रो लगा रखा है, लेट्स सी कैसा टाइम लैप्स आता है। तो अगर आपको टाइम लैप्स पसंद आए तो आप मुझे बताना, मैं सारी सारी जगहों के ऐसे टाइम लैप्स निकाला करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं टाइम लैप्स देखने में, जो कोई नहीं दिखा पाता। कहते मोड़ छोटे होते हैं तो कटते नहीं, भाई साहब ये मोड़ है भाई, खड़ी चढ़ाई चढ़ाई खड़ी मतलब एक गियर से ऊपर जा ही नहीं रही, देखो खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसी काट दी सीधी, ये है टॉप पॉइंट। ओ भाई गाड़ी पीछे पलट,
रेस देते रहे भाई। और बहुत छोटा रास्ता है यहाँ, लोग नहीं आते नॉर्मल, यहाँ नहीं आते किसी को पता ही नहीं है। हाँ। ये जगह है नड्डी, अभी है नहीं आने वाली है। हाँ, जाम जा रहे हैं जहाँ, उससे आगे गाड़ी का रास्ता ही नहीं है। ये ना डल लेक है प्रॉपर, मतलब अभी अंधेरे में दिखेगी नहीं लेक। And guys, we are kind of at our destination. This is so 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 on the top. सच बता रहा हूँ इस जगह के बारे में मेरे को मालूम नहीं था, मैक्लियोडगंज तक मालूम था, मैक्लियोडगंज में मैं आज तक कभी रुक नहीं पाया था। तो हम पहुंचने वाले हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है और नीचे का व्यू। ओ माई गॉड, दिन में तो बवाल हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ ये बहुत टॉप पॉइंट है। अगर आप आओगे तो मेरे को बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इस जगह के बारे में डालूंगा, इस चीज के बारे में डालूंगा, बहुत मजा आने वाला है। तो हम आ गए यहाँ पे टॉप पॉइंट, दिस इज नड्डी और ये हैं जीजा जी। हाय। अच्छा, और ये हमारे साथ भैया। तो हम यहाँ जाकर देखते हैं, कुछ खाते हैं और यहाँ बहुत ठंड हो रही है कसम से। सबसे पहले कैप पहनी हमने, आपको नहीं लग रही ठंड? ये तो थोड़ा है भैया के लिए, कुछ नहीं है भैया को नहीं लग रही। Let's have tea and sandwich with some pizza. Pizza is coming. And finally, थोड़ी देर लग गई लेकिन हमने सब कुछ खत्म कर दिया और हमें मिल गया पिज्जा। एंड बहुत हैवी है, आपको भी खाना पड़ेगा बताइए। तो बहुत हैवी हो रहा है ये तो। वैसे हम यहाँ से आए हैं तो यहाँ में जाना नहीं है, हम यहाँ घूमने जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको, और ये देखो सामने क्या व्यू है, और इसके नीचे का व्यू ना आपको सुबह को दिखाऊंगा, जो मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो रात को आके ना यही बस फायदा होता है कि आपके लिए सरप्राइज होता है कि मॉर्निंग में क्या दिखने वाला है। ओके गाइस, तो यहाँ हम गेम खेल रहे हैं कि कौन बताएगा कि ये कैसी ड्राइंग है, गेस करेंगे, और जो खेल रहे हैं उन सबसे मैं आपको मिलवाऊंगा। बुद्धा लालटेन टाइप का कुछ जल रहा होता है। आपको पहले इनसे मिलवाते हैं, हाय कर दो। आपका नाम क्या है? परी। और एक ये हमारे पास है, हाय कर दो। आपका नाम क्या है? रुद्र। आप यूट्यूब चलाते हो? चलाते हो ना पक्का? बस आपको हम यूट्यूब पे दिखेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, जितना है उतना कर। ओके गुड। नहीं, और आप वीडियो वाले भी गैस कर सकते हो कि क्या है ये, ठीक है? यहाँ बहुत ठंड है तो हमने हीटर लगाया हुआ है। विंडो है ये, स्कूल बैग है? नहीं नहीं, अलमारी। नो, नहीं, टेलीविजन पुराने वाला, रेडियो, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इधर से दिख नहीं रहा, सीधा करते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सा और भी वो होना चाहिए। रुको, ऐसे कर लो। नहीं, ये क्या चीज है? रुको, चूहा नहीं, क्या ये है? ये तो चद्दर का डिजाइन। नहीं, ये क्या चीज है? घर है क्या? विंडो है क्या? नहीं, विंडो है ना। हाँ, स्टार्टिंग में बोला था खिड़की टाइप कुछ, पर्दे आ गए आपने। ये वाली मैंने बोला था स्टार्टिंग में खिड़की, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, खिड़की तो है लेकिन ये चीज बतानी है। नहीं, ये क्यों बताएंगे हम, तो पूरा बताएंगे खिड़की। ये तो वो गया ना लॉक, जो शायद जिसमें से वो था, क्या नाम है, चिमनी। तो यहाँ पे चिमनी में सुबह दिखाएंगे क्या चीज होती है। ये देखो, पूरा ऊपर जाना ना, होल स्पॉन्ज बॉब। नहीं नहीं, रोबोट। मिस्टर क्रैब। केक। नहीं, केक ही। कुकर है क्या? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत तो नहीं हो गया पर ऐसे करके? नहीं, ठीक है। चिमनी तो नहीं, जो घबरा रहा है। आईफोन बनाना तो? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच गए डैडी, 7 बजे पहुंच गए थे। भूल की बारी, लेट्स सी क्या बनाता है। रोबोट, बैग, गैस। इसको 3D तो नहीं किया था? कैमरा। ये बनाया है राहुल ने, ये पता था कि इस साइड देख रहे थे। ये मुंह खोला हो किसी ने? वैसे ही भाई, वो शटर खुला है ना। किंगू। किंगू किंगू क्या होता है? वो अनानास। अच्छा, ये भाई, ये बहुत टफ था भाई, मेजर करने दे। हां, मेरे को बनाने नहीं आया लेकिन मैंने ऊपर से बोल दिया। Hey, चीज़ है, दिस इज द मॉर्निंग। मेरी तबीयत हो गई थी बहुत खराब ना रात में, क्योंकि ठंड लगी थी। जब वहाँ से आ रहे थे तो ठीक था, बट तो बड़े बड़े मुँह दो हैं, एक बाप एक बेटा। गजब ही लोकेशन पे हूँ मैं, खुद ही नहीं पता मुझे मैं कहाँ हूँ।